गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में, वो भी पहलगाम से, जो कि हमारी अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमने अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट कर दी थी। इसके पार्ट वन और पार्ट टू आपने देख लिया होगा, जिसमें हम घर से यहाँ तक कैसे आए थे। अगर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से देख लो। एंड भाई, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें 4 बजे निकलना था पहलगाम से, लेकिन मेरे साथ जो बंदे आए थे वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखिए, यहाँ पे रात को कितनी सारी गाड़ियाँ लगी थी, गिनी चुनी गाड़ियाँ रह गई है, क्योंकि भाई बंदे ही नहीं उठे हैं। एंड वो लगी हमारी गाड़ी बस, जिसमें हम सोए हुए थे। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, बंदों को जगाते हैं। आओ आओ यार। देखिए यहाँ पे ठंड इतनी है ना भाई कि बंदे का मतलब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखो मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे ठंड लगी है वहाँ पे हम डालेंगे कपड़े। ये देखो दो बंदे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। मैं 4 बजे से उठ गया, लेकिन ये बंदा सोया नहीं, लेकिन फिर भी नहीं उठाया भाई। और जय बोलेगी, जय बोले बाहर हो गया मेरे को। हाँ तो इसको इनको हो गया बुखार, तो मैं तो भाई स्लीपिंग बैग में सो गया था। इनको बोला था रात को कि कम रोटी खाओ, कम चावल खाओ, लेकिन इन्होंने इतनी खाना खाया इनको बुखार हो गया। चलो वैसे बुखार तो उस वजह से नहीं हुआ, नहाए भी नहीं हम, तो पता नहीं यार बुखार क्यों हो गया। आपको हुआ बुखार? तो वीरू भैया को तो हुआ नहीं भाई बुखार, लेकिन राकेश भैया को बुखार हो गया। तो चलो देखते हैं, बेस कैंप पे चलते हैं। बेस कैंप पे अगर हमें टैक्सी मिलेगी तो सही है, अदरवाइज हम यहीं से टैक्सी पकड़ लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से हमें 16 किलोमीटर दूर जाना है उस साइड चंदनवाड़ी की तरफ। ठीक है, पहलगाम का महत्व आपको बताते हैं थोड़ी आगे जाके। ठीक है चलो भाई, टैक्सी इधर से मिल जाएगी ना सर? ओके। और सर उठे चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी के लिए किधर से मिलेगी? आएगा गाड़ी ऊपर से, अभी ऊपर से आएगा सर। बाय। और गाओ टैक्सी। बाकी दोस्तों ये आ गए हम पहलगाम पे। एंड पहलगाम का महत्व है कि यहाँ पे मतलब अगर आपको अमरनाथ के 5 पड़ावों के बारे में बता दो, अगर आप अमरनाथ यात्रा करते हो तो आपको 5 पड़ाव पार करके जाना होगा अमरनाथ की यात्रा के लिए। पहला पड़ाव है पहलगाम, जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपना नंदी छोड़ा था, वो मंदिर यहीं कहीं है। सर वो कहाँ पे है जहाँ नंदी का मंदिर है? आगे अब। तो भाई जो नंदी जी का मंदिर है जहाँ पे भगवान शंकर ने नंदी छोड़ा था, वो आगे है, मतलब रास्ते में दिखाएंगे आपको जब हम टैक्सी ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे टैक्सी ही नहीं मिल रही है। 180 रुपीज प्राइस बोल रहे हैं। 16 किलोमीटर यहाँ से चंदनवाड़ी है, 16 किलोमीटर। बाकी वेट करने के बाद हमें टैक्सी मिल गई है। निकालो बैग, बैग निकालो। चलो भाई चला जाओ, बैग ले लो बैग। आप उसके साथ एडजस्ट हो जाओ थोड़ा। अब जरा जाओ, चलो जाओ उसके साथ एडजस्ट हो, ये थोड़ा मोटा है ना। सो भाई निकल गई हमारी टैक्सी, एंड ये बैठे हैं हम। वीरू ये को पीछे एडजस्ट कर लिया, बाकी 2 बंदे बोल रहे हैं, लेकिन हम 3 एडजस्ट हो गए ना। अभी चल रहे हैं चंदनवाड़ी, यहाँ से 16 किलोमीटर है, करना पड़ा एडजस्ट करना पड़ा। देखिए ये मंदिर है, हाँ यही पे छोड़ा था नंदी को। तो अभी अंकल गा रहे हैं गाना और हम व्यू एंजॉय कर रहे हैं। देखो
चंदनवाड़ी में, देखिए और पहलगाम से चंदनवाड़ी में आपको 200 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। ऐसे तो 180 रुपये ऑफिशियल है, लेकिन ये मतलब भीड़ ज़्यादा है तो अपनी मनमानी चल रही है भाई इनकी। बाकी खैर छोड़ो, हम तो यात्रा के लिए जा रहे हैं। बाकी पहलगाम में, पहलगाम से चंदनवाड़ी तक टाइम लगता है कोई खींच के 20-25 मिनट लग जाएंगे। बम 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 बोले बम 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 बम। भारत माता की। चलो बाकी दोस्तों, हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी, रजिस्ट्रेशन हमने करवाई थी, वो यहाँ पीछे चेक हो गई है। एंड अभी सिक्योरिटी चेक भी हो गई हमारी, और जो हमने बैग स्कैन बहुत बार हो रहे हैं यहाँ पे, अभी हमारा बैग है वो यहाँ से निकलेगा। ये देखिए, यहाँ से हमारी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। बाकी रकेश भैया चंदनवाड़ी का महत्व बताएंगे आपको। बताओ रकेश भैया, बताओ हाँ महत्व बताओ चंदनवाड़ी का। वीरू भैया बताओ चंदनवाड़ी का महत्व। चंदनवाड़ी का महत्व ये है कि यहाँ पे चंदन, हाँ चांद उतार दे। चंदनवाड़ी में भगवान शंकर ने अपना चंदन मस्तक से हटा दिया था, और भूति वगैरह हटा दी थी, चंदन हटा दिया था चंदनवाड़ी में। बाकी ये दूसरा पड़ाव है, पहला पड़ाव आपको दिखा दिया पहलगाम। बाकी यहाँ पे देखिए नाश्ता पानी हर चीज आपको मिल जाएगी खाने पीने के लिए। चलिए बम बम, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मिले हैं हमें। ले लो दीदी, आगे नहीं मिलेगा। बाकी ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है चंदनवाड़ी, तो हम खड़े हैं यहाँ पे शेषनाग 12 किलोमीटर और होली के भी यहाँ से 32 किलोमीटर है, मायने रखता है यार 32 किलोमीटर। बाकी चलते हैं यार, एक दिन में तो नहीं चल पाएंगे 32 किलोमीटर, लेकिन शेषनाग तक हम जाने की। हाँ नहीं भाई, शेषनाग तक, शेषनाग क्या यार, 16 किलोमीटर तो चलेंगे ही चलेंगे, जो मर्जी हो जाए। बाकी यहाँ पे डिवाइस लगाया इन्होंने, सिर्फ यात्रा कार्ड आपको स्कैन करवाना पड़ेगा, विदाउट यात्रा कार्ड आप नहीं जा सकते भाई, नहीं जा। बोले की दवाई, दर्द की दवाई, फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाई, फ्री दवाई, फ्री दवाई, फ्री दवाई। पैरासिटामोल ले लेते हैं यहाँ से, और एक एक कौन सी लेनी है, ये देखिए फ्री लंगर लगाया। जय बाबा जी, बाबा क्या बोलेगी, फ्री दवाई, फ्री दवाई, फ्री दवाई की दे दो बस। नाम क्या, बलवीर, ये खाने का पहले सुबह शाम, ये खाना खाने का बाद। देखिए भाई यहाँ पे रास्ता कैसा हो गया, थकान तो नहीं हो रही किसी को। जैन साहब
तो दोस्तों 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया होगा। यहाँ पे ये लंगर आ गया रोहतक हरियाणा वालों का। तो पानी वानी की सुविधा ले लो, पानी पी लो जरा फिर लगे। तो भाई जो रास्ता है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए कि सारा पहाड़ हमने चढ़ना है, वो देख रहे हो आप वहाँ पे जाना, वो देखो लोग दिख रहे हो आपको कितना लंबा पहाड़ है, सारा चढ़ना है हमें। देखो बाकी ये है यहाँ पे खाने के लिए, ये ले रहे हैं दही भल्ला भी। साइड बोले साइड पीछे रहो पीछे रहो। जय बोलेगी और उस समय तू कह रहा था फिर बाद में गए थे। जियो की जो है ना तुम तो आ चुके थे तो सर पिछू डॉप की चीज दूर है पिछू डॉप भाई पहुंचने वाले हैं। एंड रास्ता देखो ये सारा रास्ता देखो। चलिए देखिए भाई रास्ता भाई। आओ
हम भी चल रहे हैं यहाँ पे। इधर से बचाओ आर्मी है। हाँ भैया गिरोगे मर मर जाओगे। फाइनली पहुंच गए भाई पिस्सू टॉप में। और यार गलती कर दी मैंने, ये पहाड़ सीधा का सीधा चढ़ गया। बाकी ये रास्ता था ऐसे करके आना था ऊपर। कुछ लोग आ रहे हैं देखिए, दो भाई लोग आ रहे हैं। हम धीरे धीरे देखिए, और सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना। ओ भाई बस अभी ये चढ़ना है सीधा 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 सीधा, ये सीधा चढ़ जाएंगे। दोस्तों 11 बज रहे हैं भाई, और हम पहुंच चुके हैं पिस्सू टॉप में, जो कि हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव है। इसके बाद शेषनाग आ जाए जो कि 9 किलोमीटर है, उसके बाद गणेश टॉप। बाकी भाई पिस्सू टॉप तो पहुंच गए, लेकिन ये दो बंदे गायब हो गए थे। मैंने सोचा ये पीछे है, लेकिन ये आगे निकल गए थे। एक घंटे से यही पे वेट पिस्सू भी रवैये का निकल गया। बाकी यार मुझे लगा ये पीछे है लिटरली, मैं भी इतना वेट कर रहा पहाड़ पे बैठ बैठ के, देखूं कहाँ है कहाँ है। तेरे से पीछे रहेंगे। चल ठीक है यार, अब तो हम साथ में चलेंगे। यार मैं तुमको देखा हूँ यार यूट्यूब पे। और कैसे हो? बस बढ़िया। मैं आपको वीडियो देखता हूँ यार। कहाँ कहाँ से आए? पंजाब। पंजाब से कहाँ से? चलो ठीक है, ये भाई हैं पंजाब से आए हैं। मेरी वीडियो डालना यार। हाँ ठीक है। हेलो, कब डाल रहे हो? 4-5 दिन लग जाएंगे। दो एक एक मुझे भी दो। अभी लंगर खा रहे हैं लंगर। जिन्होंने व्रत रखे बहुत ज्यादा यहाँ पे आइए। हमें मिली है पूरी रोटी, चावल मिले हैं खाने के लिए, अचार भी है साथ में। तो अभी फिर हो गई है, टेस्ट करके बताएंगे खाना कैसा है भाई, कैसा है। ये खाना किस्मत वालों को मिलता है। अभी माइक नहीं लगाया इसलिए पास में आके बोलना पड़ता। चने चने का सॉस मिल रहा है। बाकी ये भैया आए हैं, कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हरियाणा से कहाँ से? शिवानी से। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया है। बढ़िया लग रहा है ना। चलो कुछ खा भी लेते हैं। ठीक है भैया, जय भोलेनाथ। अभी भैया बोले साउथ का भी खाना मिल रहा है, ये देखिए। रोटी चाव रोटी चाव रोटी चाव भैया के लिए।
सुबह से चल रहे हैं, अभी तक हमने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है चंदनवाड़ी से यहाँ तक। चलो बाकी चलते हैं यार, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम। बाकी ये अम्बाला वालों का लंगर देखो, कितने सारे लंगर हैं, और ऊपर ये पुलिस वालों के सारे नाके हैं, इधर भी पुलिस वालों का बेस है। चलो जय बोलेगी। भाई कोली है, कोली ये डाल दो मिल से बाहर, इसको रख लो यार। चलो थोड़ी सी भी थकान नहीं हो रही है। क्या मैं ले जाएगा आगरा वालों का लंगर। भाई देखिए ये आगरा वालों का भंडारा। जय बोलेगी भैया, जय बोलेगी, जय बोलेगी। बम 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 बम। बाकी भाई जो पिस्सू टॉप है, इसका नाम पिस्सू टॉप ये क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो यात्री जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनकी चाल है वो पिस्सू जैसी हो जाती है, तो इसलिए इसको पिस्सू टॉप बोलते हैं। आपकी चाल भी चाल तो नहीं हुई लेकिन आपका पिस्सू हो गया। वेट करते हैं। भारत माता की बोले 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 कितने पैसे हैं घोड़े वाले भैया? कितने पैसे हैं घोड़े के? कितने पैसे हैं? 2 सवारी है। कितने पैसे? 8-8 जोजीवा। कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के लिए 800 रुपया। और क्या सर? भाई 6 किलोमीटर हम रनिंग करते हैं सुबह, 6 किलोमीटर हम दौड़ लगाते हैं रोज, वो भी 25 किलो का वजन उठा के रोज डेली दौड़ लगाते हैं हम। 6 फिर पैसे लेंगे हम 6 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं। आप बोलना कितना देगा यार? हमने यार पैदल जाना है भाई, हमने श्रद्धा पैदल की है यार। आपसे क्या झूठ बोलना नहीं बीरू भैया। बाकी बीरू भैया ने मेरा बैग उठा लिया, अभी हमने अभी चेंज कर लिया भाई। घोड़े का रेट मैंने पूछा आपको, आपके लिए पूछा, आपको नोटिफाई कर दूं, आपको बता दूं। 6 किलोमीटर के लिए हाँ 6 किलोमीटर के लिए 800 रुपये मांग रहे हैं। नीचे जाएगा 1 2 3 4 कितने का? अभी हम पियेंगे भैया से नींबू शरबत। नींबू शरबत है ये? घर कहाँ है आपके? घर तो मेरा पहलगाँव से नीचे। हाँ पहलगाँव से नीचे। अच्छा पहलगाँव। दो नींबू शरबत। हाँ नींबू।
रहे होंगे एंड देखिए हम पहुंच चुके हैं जोजीपाल, जोजीपाल में एक पॉइंट है ये भी, तो यहाँ पे भी आपको ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। बाकी ये देखिए थोड़ी बस कराई थी, बस पूरे तो भाई 1:30-2 बज गए हैं और अभी तक हमने डिस्टेंस कवर करा 7 किलोमीटर का, 9-10 बजे चले थे और 7 किलोमीटर अभी चल पाए हैं और यहाँ से अभी 5 किलोमीटर है शेषनाग और आज हम शेषनाग तक ही यात्रा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं ऋकेश भैया और ये ऋकेश भैया तो मातम रो गई है, ऋकेश भैया क्या ना ऋकेश भैया की मातम रो गई है। साला बारी है ना ये बारी है बड़ा जय बोलेगी भैया ये देना भाई इसी में चल लभी देर हैं वाह देखो भाई वाटरफॉल। आइए दोस्तों आपको नाग कोटी दिखाते हैं, देखिए नाग कोटी है ना, नाग कोटी पूरी नाग की तरह कोटी है ये। सो भाई सबर का फल मीठा होता है, अभी आपको दिखाते हैं शेषनाग जी, ये देखिए रास्ता देख लो कैसा है, इसे बंद करने दो भाई। ये हमारी शेषनाग झील, इसकी जो शेप है वो शेषनाग की तरह है, दिखाते हैं आपको ये देखो ऐसे शेषनाग की तरह। बाकी देखो भाई पीछे भी व्यू है, बाकी शेषनाग जो है 3 किलोमीटर अभी यहाँ पे बेस है ठीक है, और शेषनाग का महत्व है यहाँ पे भगवान शंकर ने अपना जो नाग था गले में वासुकी वो भी उतार दिया था जब वो कथा सुनाने के लिए जा रहे थे। लेट्स सी चलते हैं, हाँ यहीं उतार के रखा था यहीं पे। देखो भाई शेषनाग झील की पूरी शेप दिखाता हूँ, ये देखो शेषनाग झील क्या होता है, ओ भाई देखो पूरी निकाल रहे हो क्या सर, कितने जाएंगे एक दिन में, कितने जा सकते हैं अभी, जा सकते हैं पूरी हो जाएगी एक दिन में यात्रा। देखो भाई पहुंच गए हम शेषनाग 0 किलोमीटर एंड मुझे लगता है आज रात हमें यही रोक के रखेंगे। लो भाई पूरे 5 बज गए और 5 बजे पहुंचे हम शेषनाग, हाँ शेषनाग से हम पहुंचे पूरे 5 बजे, सुबह चले थे ना 10 बजे।
भैया तीन काटो 1350 दो तीन 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 मेरे को हम पैसे लेगा फिर आप बता देगा हमने दिया हम मानेगा नहीं जो पर्ची हम देगा आप पैसे दो तब तीन तीन आधा सीधा के चलियो भाई इनका बड़ा सीन है यार पर्ची पुर्ची तो उन्होंने काट ली है अब टेंट ही नहीं दिखा रहे हैं बोलते सीधा जाओ हाँ गलत सिस्टम है बहुत गलत सिस्टम है श्राइन बोर्ड का ये एक तो बंदों को 4,450 रुपए ले रहे हैं पर पर्सन यहाँ पे ठीक है और दूसरा जब बंदा 450 रुपए देखे टेंट ले लेता है इनका फिर ये ऐसे भगाते हैं कुत्तों की तरह उनको देखो अब बोल रहे हैं सीधा जाओ क्या सिस्टम है यार कहाँ सोना है सर अब जाओ देखो अब जाओ कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रही यार इधर लाइट वाइट देंगे कि नहीं देंगे तीन बंदे कहाँ जाने आइयो सो गुड इवनिंग गाइस 6 बज रहे हैं एंड व्यू देख सकते हो ये आप सोच रहे होंगे कि मैं टेंटों के पास क्या कर रहा हूँ बताता हूँ आपको ये पूरे वॉशरूम है जो भी टेंट में रेस्ट करते हैं उनके लिए वॉशरूम है बाकी वॉशरूम की फैसिलिटी की बात करें तो अच्छे हैं वॉशरूम और हमने हम कहाँ पे रुके हैं वो आपको अभी टेंट भी दिखाते हैं और लंगर लुंगर यहाँ पे लगा हुआ है वैसे अगर आप यात्रा करते हो तो आपको एक दिन यहाँ पे रुकना ही रुकना होगा अब कल की अपडेट कल देंगे आपको कि कल हमें कितना और जाने देते हैं ये बाकी ये भाई यहाँ की लंगर की सुविधा बहुत बढ़िया देखिए बाकी दोस्तों ये देख सकते हो ये हमारा टेंट 10 बंदों का है लेकिन इसमें कोई आया ही नहीं यार अभी तक और हम इसमें सोए पड़े हैं दोपहर से अभी शाम के 6-7 बज गए हैं तो इस पार्ट को यही पेंट करते हैं क्योंकि यार कल हम यहाँ से जाएंगे पंचरत्नी या उससे आगे जहाँ तक भी जाएंगे आपको अपडेट कर देंगे ठीक है बाकी आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत ट्रैक जर्नी के साथ तब तक लिए खुश रहें सेफ रहें ध्यान रखें ठीक है गुड।